बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? खुश आमदेद। आज की 10वीं एपिसोड है इस सिलसिले की और आज की एपिसोड इंतहाई ज़रूरी है। ये टॉपिक बैड ऑडिशंस, जो बुरे ऑडिशंस हैं। अब ये उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे ऑडिशंस में आएंगे और परफॉर्म करेंगे हमारे टीवी और मूवी प्रोजेक्ट्स के लिए, और उनके लिए भी बेहतर है जो पाकिस्तान ने जिन्होंने अप्लाई किया हुआ ऑडिशंस के लिए। जब हम पाकिस्तान आएंगे तो उनको हम कास्टिंग के लिए बुलाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स को करने के लिए, और उनके लिए भी बेहतर है कि जिनका हम ऑडिशन ऑनलाइन भी करेंगे। तो जिनके बाय द वे जिनको पता नहीं है मेरे बारे में, मैं हूँ उजैर सिप्रा। मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर हूँ, बेस करता हूँ हांगकॉन्ग में। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल नेटवर्क्स हैं। आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अपनी एपिसोड का आगाज करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं रोज़ाना इस तरह के एजुकेशनल टॉपिक्स लेकर आता हूँ एक अवेयरनेस और एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए, ख़ास और पाकिस्तान में जहाँ पर एंटरटेनमेंट में कोई सिस्टम मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह से प्रॉपरली है। ये जिस तरह से हमारी प्रैक्टिस है हांगकॉन्ग में काम करने की, ये आपको अवेयरनेस देते हैं कि इस तरह से काम होता है इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, और स्कैमर्स से बच के रहें। अब इस कॉर्नर पर जाने से पहले कि बैड ऑडिशंस क्या हैं, सबसे पहले तो मैं जो वर्ड एक्टर है उसको एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, और मैं खुद भी चाहता हूँ कि इसके ऊपर 5 से 10 एपिसोड डिफाइन करने में कि एक्टर होता क्या है उसके ऊपर लगाऊँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इससे आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। अब मैं बिलीव करता हूँ जैसा से एक स्पाही को जब जंग में भेजा जाता है तो उसको उसके आर्मर्स, उसके वेपन्स देकर भेजा जाता है ताकि वो अपनी देखभाल कर सके, अपना प्रॉपरली उनको यूज़ कर सके अपनी जंग में। उसी तरह से अल्लाह सुब्हान व तआला जब हमें इस दुनिया में भेजते हैं तो हमारे जो आर्मर्स हमें देकर ही भेजते हैं, जो लिखे गए होते हमारे लिए, वो आर्मर्स या वो वेपन्स क्या हैं? हमारा टैलेंट है। अब ये हमारे ऊपर मुनसर करता है कि कब हम अपने टैलेंट को देखते हैं, अपने टैलेंट को डिस्कवर करते हैं, फिर उसके ऊपर मेहनत करते हैं, पॉलिश करके उसको स्किल में कन्वर्ट करते हैं, तब्दील करते हैं। वो स्किल क्या होता है कि जब वो स्किल में तब्दील होता है तो वहां से फिर वो अर्निंग का जरिया बनता है, आपकी लिविंग का जरिया बनता है। अब 7 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेंट जो ऑडिशन के लिए आ रहा है, इन 7 एलिमेंट्स को अगर वो उसके ऊपर नज़रसानी करे तो ये इंशाल्लाह उसके लिए बड़ा फायदेमंद होगा और अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगा डायरेक्टर्स के ऊपर। बहुत ब्रीफ करते हैं। नंबर पहले पे आता है लेट कमर्स, उसके बाद फिर आता है अनप्रिपेयर्ड। लेट कमर्स और अनप्रिपेयर्ड आपस में इंटरलॉक है, दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। फिर तीसरे नंबर पे आता है एटीट्यूड, उसका रवैया क्या है, और नंबर 4 पे आता है आर्टिस्टिक अप्रोच, और नंबर 5 पे आता है ओवर स्मार्ट। ये सारे एलिमेंट्स मैं बड़े ही शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको इनकी डिटेल भी बताता हूँ। ओवर स्मार्ट में ओके, नंबर 6 पे आता है रियल, जो असल में वो बंदा है कौन। अब नंबर 7 पे आता है उसका जो पेशेंस है। अब हम एज ए डायरेक्टर, जिस तरह से मैं डायरेक्टर हूँ, मेरे जो फेलो डायरेक्टर्स हैं हांगकॉन्ग में, आई बिलीव कि हमारा, मुझे यकीन है कि हमारा एक ही कस्टम है और एक ही हमारा एक तरीका कार होता है जिस तरह से हम आर्टिस्ट को हायर करते हैं या बुक करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब हम सिर्फ एक्टिंग को नहीं देखते, सिर्फ एक्टर को नहीं देखते, बल्कि एक्टर के पीछे जो असल बंदा है उसके ऊपर हमारा ज्यादा, उसके ऊपर हमारी नजर ज्यादा होती है। तो अगर आपके अंदर ये एलिमेंट हैं और प्रॉपरली हैं तो आप इनको फिक्स करें और इनको पॉलिश करें। जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी खबर ही मिलेगी। सबसे पहले जो लेट कमर, लेट कमर क्या होते हैं? जो अनप्रिपेयर्ड होते हैं, जो बहुत ज्यादा हर काम में देर कर देते हैं, फिर जब वो पहुंचते हैं ऑडिशन, आप यहां से अंदाजा लगाएं कि जब ऑडिशन हो रहा है
वहां पर जो टीम बैठी हुई है, डायरेक्टर्स हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं, दिन में यानी कि 5-6 घंटे 7 घंटे से वो बुरे बुरे ऑडिशंस वो देख देख के उनका ना वैसे मूड ऑफ हुआ है। और एक बंदा आता है, जल्दी जल्दी में आता है और आगे कहता है, वो स्माइल भी नहीं देता तो जल्दी आगे कहता है कि सॉरी मैं लेट हूँ और मुझे वो मेरी लाइनें क्या थी और ये क्या है वो क्या है, वो हेडशॉट तो मेरा घर ही रह गया है और ये भी यहाँ पर नहीं है, आई एम सॉरी। तो ये इंतहाई बुरा इम्पैक्ट देगा। तो अनप्रिपेयर्ड ये पहले पॉइंट के साथ इंटरलॉक है। ऑफ कोर्स जब वो प्रिपेयर नहीं होगा तो उसको पता ही नहीं होगा कि मेरी लाइनें क्या हैं जो डायरेक्टर कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे भेजी थी प्रिपेयर करने के लिए। और तीसरे नंबर पे आता है उसका रवैया, एटीट्यूड, कि वो आसानी से आपके साथ काम करता है या आपके लिए मुश्किलें पैदा करता है। और जो चौथा है उसका आर्टिस्टिक अप्रोच है, जो अप्रोच है उसकी यानी उसकी मेंटालिटी जिस तरह से भी हो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और पांचवें नंबर पे आता है ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट वो हैं जो कि प्रिटेंड करते हैं जो कि वो नहीं है। लाइक ऐसे भी हैं जिन्होंने जो ऑडिशन के लिए आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि मैंने हॉलीवुड में काम किया हुआ, बॉलीवुड में किया हुआ, टॉलीवुड में किया हुआ, कॉलीवुड में किया हुआ, लॉलीवुड में किया, पता नहीं कौन कौन से वुड में उन्होंने काम किया हुआ है। लेकिन आप इस चीज के ऊपर गौर करें, सोचें कि इतनी इतनी बड़ी बातें करने के यानी कि शुरू करें ऑडिशन शुरू करने से, अगर आप इतनी इतनी बड़ी बातें करेंगे इंप्रेस करने के लिए, एक्चुअली अगर आप वो नहीं है तो आप कवर करने की कोशिश करें अपने टैलेंट को कि इन बातों के ऊपर जोर देंगे, जब वो मेरी बातें ये सुनेगा तो फिर ये ऐसा कि हमें बुक कर लेगा, ऐसा नहीं है। इमेजिन करेंगे कितना एम्बेरसिंग उसकी एंडिंग होगी कि जब हम लोग इसे डिस्कवर करेंगे, यार ये तो सिर्फ बातों नहीं है, इसके पास सिर्फ बातें हैं, इसके ऊपर एक्शन तो कोई है नहीं है। सब कुछ जो मैटर करता है वो है आपका एक्शन, आपके अल्फाज से ज्यादा। उसके बाद फिर आते हैं जो इंतहाई जो कोर जो पॉइंट है इस एपिसोड का, वो है कि असल में बंदा कौन है अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ, के बिसाइड यानी उसके साथ साथ जो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है उसमें ये बंदा कैसा है। क्योंकि हम इसलिए जानते हैं, ओके ये भी आप यहां से आप अंदाजा लगा लें कि आपने प्रिपेयर किया है, सारी तैयारी भी की है, आपने जितने भी डायलॉग्स हैं मोनोलॉग्स हैं आपने मेमोराइज किए हुए हैं और आप यकीन से कहते हैं कि आज मैंने ये प्रोजेक्ट लेकर ही छोड़ना है, जो भी हो जाए मैंने इंस्पायर करना है, मैंने इंप्रेस करना है और जितने भी डायरेक्टर्स वहां बैठे हुए हैं। अब क्या होता है कि जब आप जाते हो आपके अंदर जहन के अंदर सिर्फ यही चीजें घूम रही होती हैं और अपने ही दुनिया में गुम हो गए, तो जब आप शुरू करते हो तो फिर आप फौरी आप जो चाह रहे हो कि ये मुझसे पहले पूछें वो ऐसा ना हो, तो फिर सारा कुछ कोलैप्स होने का खतरा होता है। तो आप यानी कि आपको चाहिए अपने अंदर रहें, कंट्रोल में रहें, काम रहें और आप रट्टा ना लगाएं बल्कि उसको सीखने की कोशिश करें, उसको स्टडी करें। जब आपको पता होगा कि आप क्या डिलीवर करने जा रहे हैं तो नो मैटर क्या है, जब आप अंदर आएंगे यानी कि आउट ऑफ नो वेयर मैं आपसे पूछता हूँ कि अच्छा अपने बारे में तो बताएं, आप हैं कौन, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है, तो क्या करते हैं, तो आपने तो तैयारी की हुई थी कि आप जाते ही आप बस हल्ला बोल बैठेंगे कि मैंने ये परफॉर्म करना है, ऐसे इमोशंस लेकर आऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, कैलकुलेट किए हुए आपने। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोग उन लोगों उन आर्टिस्ट को हायर करते हैं, कनेक्ट करते हैं अपने साथ, जिनके साथ हम आसानी से काम कर सकें। बातूनी लोग नहीं, ना ही वो लोग जो प्रिटेंड करते हैं कि और जिनके पास अगला जो इसके साथ कनेक्ट करना हो, जिनके पास पेशेंस नहीं है, जिनके पास बिल्कुल किस्म के साथ पेशेंस नहीं है। अब अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर आप तो यानी कि किसी भी काम में एडजस्ट होना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। और आज के एपिसोड को मैं कवर करने का मकसद यही था कि अगर आप इन एलिमेंट्स के ऊपर नजर लगाएं, आप गौर करें, इंशाल्लाह ये आपकी परफॉर्मेंसेस को बूस्ट करेगा और चांसेस को इन्हांस करेगा कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे और आप इम्प्रेस कर सकेंगे किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स को जब भी आपको बुलाया जाता है। और याद रखिए कि आपने उनके ऊपर गौर करना है। और हाँ, एक इंतहाई जरूरी बात है, इमोशंस को नहीं लेकर आना। वो डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स वहां पर आपके इमोशंस को देखने नहीं आए, उनको ये बिजनेस है, ये काम है, आपको
आपके टैलेंट को देखना है उन्होंने, स्किल्स को देखना है उन्होंने। अगर आप ये कहेंगे अगर आप मुझे हायर कर लें, बुक कर लें, तो मैं वक्त के ऊपर आऊंगा, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ना 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 ना, डोंट डू दिस। जो भी आपने अपना प्रोफाइल भेजा है, रेज्यूमे भेजा है, अपना हेडशॉट भेजा है, सारा कुछ जो एक्सपीरियंस भेजा हुआ है, वो सारा हमारे सामने है, हम उसको देख सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ गुड यू आर, कितने अच्छे हैं आप। तो ऐसी हरकत नहीं करनी, ये आप टाइम जाया करेंगे। तो टू द पॉइंट रहें, कंप्रिहेंसिव रहें और रेलिवेंट रहें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपको इस चीज़ों में गौर करना चाहिए। वो लोग जिनको मेरे बारे में नहीं पता, मैं हूँ ज़ैर सिप्रा, मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर हूँ, बेस करता हूँ हांगकांग में। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल नेटवर्क्स हैं, आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है, प्लीज़ गिव इट थम्स अप, और उनके साथ, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिनको अवेयरनेस के तौर पे, जिनको इन बातों का पता नहीं है, तो अवेयरनेस इंतहाई ज़रूरी होती है। एजुकेशन यू नो सिस्टम को चेंज कर देती है। अच्छी सोसाइटी के लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में क्या सिस्टम चलते हैं किसी को यानी अंदाज़ा ही नहीं है, सारा कुछ वो विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन सारा कुछ होता है, सो फार व्हाट आई नो इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो किसी स्कैम का ट्रैप नहीं बने, इस तरह से एक्चुअली काम होता है हांगकांग में, हॉलीवुड में, जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, इनको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। कल इंतहाई ज़रूरी टॉपिक है, जो कि ऑडिशन के हिसाब से है कि क्या पहनना चाहिए ऑडिशन के दिन में, वो कॉस्ट्यूम या वो ड्रेसिंग क्या आपकी मदद करेगी किसी प्रोजेक्ट को बुक करने में या कि नहीं। तो स्टे ट्यून्ड और इंशाल्लाह कल मिलेंगे दोबारा। आज संडे है, मैं हूँ ज़ैर सिप्रा और लेकर आऊँगा आपके लिए नया टॉपिक, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और हमारे भी ऑडिशन, मैं इसलिए भी खुश हूँ कि इंशाल्लाह आज हम डिसाइड करेंगे किस दिन को इंशाल्लाह हमारा ऑडिशन होगा, तो तैयार रहें। मैं फिर इंकरेज करूंगा उन आर्टिस्ट को पाकिस्तान से जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि हम पाकिस्तान में भी कास्टिंग करेंगे और पाकिस्तान आकर भी कास्टिंग करेंगे, वहां पर प्रोजेक्ट्स ही हमें अपने शूट भी करने हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर कल, अस्सलाम वालेकुम।